नमस्कार, स्वागत है आपका रेलपीडिया में। दोस्तों, रेलपीडिया के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की कंप्लीट प्रक्रिया के बारे में। रेलपीडिया एक चैनल है जहाँ पे आप बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रेलवे से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फिर रेलपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक समय पर पहुँचे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असल में POH का फुल फॉर्म पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है, जिसका मतलब है समयिक मरम्मत। POH के दौरान कोच की डिटेल्ड इंस्पेक्शन, पार्ट रिप्लेसमेंट, कंप्लीट रिपेयर और कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है, जिसमें इंडियन रेलवेज में POH का प्रकार, टाइम इंटरवल एंड ड्यूरेशन कोच के टाइप और यूज पे डिपेंड करता है। नॉर्मल ICF कोचेस की POH हर 18 महीने के बाद यानी कि 1.5 साल के बाद की जाती है। वही हमारे LHB कोचेस की POH हर 48 मंथ्स के बाद यानी कि 4 साल के बाद होती है। तो हम बात करें गुड्स वैगन की, तो उनकी POH हर 4.5 साल के बाद की जाती है। इंडियन रेलवे में ICF, LHB और गुड्स वैगन की POH अलग अलग वर्कशॉप में की जाती है। हर जोन के पास ऐसा अलग अलग वर्कशॉप अवेलेबल होता है। चलिए अब हम POH के दौरान किए जाने वाले अलग अलग प्रोसीजर्स को समझते हैं। पहला प्रोसीजर है कोच लिफ्टिंग। इस प्रक्रिया के दौरान कोच को बोगी से अलग किया जाता है और अलग किए हुए बोगी और कोच को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए भेजा जाता है। उसके बाद क्लीनिंग की प्रोसेस होती है। नॉर्मली कोचेस की क्लीनिंग पिट लाइन पे रेगुलरली की जाती है, इसीलिए POH के दौरान बोगी के क्लीनिंग पर फोकस किया जाता है, क्योंकि उसकी क्लीनिंग नॉर्मली एक्सेस नहीं होती। थर्ड स्टेज में बोगी के पार्ट्स को डिसमेंटल किया जाता है, जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम, जनरेटर सेट्स और अलग अलग छोटे पार्ट्स को डिसमेंटल करके उन्हें अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। फिफ्थ स्टेज में सब डिसमेंटल किए गए पार्ट्स क्लीन किए जाते हैं और वो अलग अलग करके एक्सपर्ट्स के पास अगले प्रोसेस के लिए भेजे जाते हैं। ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स निर्धारित स्टैंडर्ड पर एक पार्ट को इंस्पेक्ट और टेस्ट करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये पार्ट फर्दर यूज के लिए कैपेबल है या नहीं, और इसी प्रोसेस में उस पार्ट की फर्दर यूज की लिमिट भी बताई जाती है। इस प्रोसेस में जिस पार्ट को रिपेयर की ज़रूरत होती है उन्हें रिपेयर किया जाता है, और जिन पार्ट्स को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है उन्हें नए पार्ट से रिप्लेस किया जाता है और उनकी टेस्ट भी की जाती है। इस स्टेज के दौरान क्लीन किए गए, रिपेयर किए गए, रिप्लेस किए गए सब पार्ट्स को बोगी से असेंबल किया जाता है और फिर से वो बोगी बनाई जाती है, जो कि अगले यूज के लिए तैयार। अब असेंबल किए गए बोगी को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस टेस्ट में उस बोगी को एक पर्टिकुलर लोड से जाना जाता है कि ये फर्दर यूज के लिए कैपेबल है या नहीं, या फिर उसकी मरम्मत ठीक से हुई है या नहीं। ये सभी प्रोसेसेस कोच के बॉडी के साथ भी किए जाते हैं, जिसमें कोच के अंदर के पार्ट्स यानी कि विंडोज़, सीट्स, AC कंपोनेंट एंड ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, और जहाँ पर रिपेयर की और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो वहाँ रिपेयर और मॉडिफिकेशन किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान अलग किए गए कोच की बॉडी और बोगी को फिर से एक किया जाता है और उसको असेंबल किया जाता है। फिर कोच को डिफरेंट लोड्स के साथ टेस्ट किया जाता है और टेस्ट में अप्रूव होने के बाद सर्टिफाई किया जाता है, जिसके बाद वो कोच फिर से रेलवेज में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में POH की प्रक्रिया के बारे में डिटेल्स में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपके वीडियो से और चैनल से रिलेटेड ख्याल और सुझाव हमें अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।